जी, बात भी बैंक अल्फ़िला की कर लेते हैं। जो पाकिस्तान में छठा सबसे बड़ा बैंक है, इनका ओबियसली बाकी बैंक्स का भी रिज़ल्ट है, इनका भी रिज़ल्ट है। ये उन बैंक्स में से है जिनका रिज़ल्ट एक्चुअली एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। इनफैक्ट क्वार्टर की अगर आप बात करें तो 2.5 अरब रुपये की बॉटम लाइन थी, तकरीबन 23% इसमें ग्रोथ थी। बाकी अगर आप बैंक्स देखें तो बहुत सो की प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर पे फ्लैट रहे हैं, कोई ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाए हैं। ये उन बैंक्स में से है जिसने बहुत अच्छी ग्रोथ डिलीवर करी है एनालिस्ट की तवक्कात से कहीं ज़्यादा। और ख़ास बात यह है कि ये जो इसका रिज़ल्ट है, ये इतना अच्छा क्वार्टर इसने आज तक डिलीवर नहीं करा। तकरीबन 1.59 रुपये की इसकी अर्निंग है, 2.5 अरब रुपये इसकी प्रॉफिट टर्म्स में बनता है ये। इससे पहले अल्फ़िला की इतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई। लग ये रहा है कि इसका सेकंड क्वार्टर भी अच्छा होगा। लेकिन बाकी बैंक की तरह ऑब्वियसली जिस तरह PIB जिन्होंने बहुत लिए हुए हैं, जो मच्योर होंगे, सेकंड हाफ बैंक के लिए चैलेंजिंग नज़र आ रहा है, तो वो इन बैंक अल्फ़िला के लिए भी होगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये क्वार्टर गुजरा है, पहला क्वार्टर 2016 का, और जो दूसरा क्वार्टर गुजरेगा जिसमें हम तकरीबन आधा क्वार्टर तो हो ही गया है, तो उसमें भी तवक्को आता है कि आने वाला रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। इस रिज़ल्ट में जो दो चीज़ें देखने को मिली हैं, हमने कुछ बैंक्स में देखा है कि उन्होंने कैपिटल गेन का सहारा लिया है रिज़ल्ट डिलीवर करने के लिए, इन्होंने भी लिया है एक हद तक। लेकिन अगर आप दोनों इस साल से भी अगर आप कैपिटल गेन हटा दें और पिछले साल से भी कैपिटल गेन हटा दें, इसी क्वार्टर जो 2015 का पहला क्वार्टर होगा, तो इन दोनों के बावजूद भी इसकी ग्रोथ तकरीबन उतनी ही आती है जितनी विद कैपिटल गेंस है, तकरीबन 25% की ग्रोथ है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सहारा लिया है कैपिटल गेंस का। अगर आप इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी अभी तकरीबन फ्लैट है, लग नहीं रहा कि उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर आया है। आप प्रोविजन्स की अगर आप बात करें तो वो भी नीचे आई हैं। फी इनकम जो है तकरीबन 15% ऊपर है। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है क्योंकि अल्फ़िला के लिए एक अच्छा ज़रिया रहा है आमदनी का। और ये रिकरिंग इसमें भी आया था कि अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, शरह सूद नीचे है, तो फी इनकम जो थोड़ा सा आपको बचा लेती है, तो वो इनकी एक बड़ी अच्छी ट्रेजेक्ट्री चल रही है। और आई थिंक जो खास बात अल्फ़िला के लिए कि हिस्टोरिकली इनका देखा गया कि कॉस्ट बेस थोड़ा सा हाई साइड पर रहा है, लेकिन इस दफ़ा भी अगर आप पिछले साल देखें 2015 में और 2016 के भी पहले क्वार्टर की बात करें, तो जो अखराजात इन्होंने करे हैं उनमें इजाफा सिर्फ 8% का है, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक ऑब्वियसली अगर ये सिंगल डिजिट में रहता है तो अल्फ़िला की ये कामयाबी है। लॉन्ग टर्म ये चाहेंगे इसको मज़ीद बेहतर कर सकें अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी को। लग तो ये रहा है कि 2015 से एक नया डिसिप्लिन आ गया है बैंक में, जो बहुत अच्छी चीज़ है बैंक के लिए भी, शेयर होल्डर के लिए भी। एक और चीज़ जो अल्फ़िला की बैंक अल्फ़िला की थोड़ी सी देखने में आई है और जो इसको थोड़ा सा हट के रख रही है बाकी बैंक्स के बरक्स, उसमें यह है कि ये बैंक है जो थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ है लेंडिंग साइड पे। पाकिस्तान ने देखा है पिछले 3-4 साल में लोन ग्रोथ इतनी हुई नहीं है, बैंक्स अभी भी कंजर्वेटिव माइंडसेट के साथ बैंकिंग कर रहे हैं। ये एक बैंक है जिसकी 15-16% लोन ग्रोथ आई है पहले क्वार्टर में, और जो हमारी बात हुई है मैनेजमेंट से, लग रहा है कि इस स्पीड को ये कोशिश करेंगे कि मेंटेन कर सकें, जो कि अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि बैंक्स हमने पिछले सालों में देखा है कि सिर्फ डिपॉजिट ट्रस्ट से पैसा जमा करके हुकूमती बॉन्ड्स में जमा करा रहे हैं, जो कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर इकॉनमी को फ़ायदा होना है, अगर मईशत को फ़ायदा होना है, तो बड़ा ज़रूरी है कि बैंक्स बैंकिंग करें और बैंक्स का जो जो किरदार है वो निभाएं। बैंक अल्फ़िला लग रहा है कि ये चीज़ कर रहा है। अगेन ये प्रॉफिट्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट लो है, तो अगर लेंडिंग करते हैं जिस पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको स्प्रेड मिल जाता है, तो ऑब्वियसली ये प्रॉफिट्स के लिए एक अच्छी चीज़ है। इसका लेकिन एक ड्रॉबैक ये रहा है अल्फ़िला के लिए कि ऑब्वियसली जहाँ इसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी रही हैं, शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी रही है कि उनका जो डिविडेंड था, जो पे आउट था 2015 में, उसने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम दिया। उसकी भी वजह है, उनका कहना यह है और आई थिंक ये बात दुरुस्त है कि वजह यह है कि कैपिटल को वो प्रिजर्व करना चाह रहे हैं क्योंकि वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ में थोड़ा अग्रेसिव होना चाह रहे हैं। बस ये सिंपल इसकी रिलेशनशिप ये है कि जितना ज़्यादा आपके पास कैपिटल होगा उतनी ज़्यादा आप लेंडिंग कर सकते हैं, एक सिंपल रिलेशनशिप है। अगर आप डिविडेंड देते हैं तो बैंक से कैपिटल बाहर निकल जाता है। इनको लग रहा है कि ये एट दिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं कि ये एक्चुअली इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ये करना भी चाह रहे हैं,
तो इस वजह से वो थोड़ा सा उन्होंने देखा है कि कैपिटल को ये रखना चाह रहे हैं विद इन द बैंक ताकि ये मजीद लेंडिंग एक्टिविटीज़ पिक कर सकें। शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली यू नो मार्केट ने कंपेयर करा है कुछ बड़े बैंक्स के लिए, जो अगर आप उनकी डिविडेंड यील्ड देखें तो उनकी 7 से 8% है, इनकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 4% हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा पिनलाइज किया हुआ है स्टॉक को। आजकल इनफैक्ट अगर आप बैंक्स देखें तो चल वही रहे हैं जो MSCI के, उसमें लग रहा है कि क्राइटेरिया मीट कर लेंगे, जो UBL, MCB और हबीब बैंक हैं। लेकिन अगर एक सेकेंड राउंड होता है और जैसे अगर इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा देखने को मिलता है, तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या हो सकता है सितंबर में भी हो सके, तो फिर एक सेकेंड राउंड एक बैंकिंग रैली चल सकती है जिसमें बैंक अल्फला बिल्कुल उन बैंक में शामिल होगा जो एक कैचअप रैली में नुमाया हो सकते हैं। आई थिंक लोन ग्रोथ की अगर आप बात करें तो अल्फला एक फुल सर्विस बैंक है। ऑब्वियसली ऐसा आप नहीं कह सकते कोई खास सेक्टर है जिसमें इनकी फोकस है। अगर आप अभी भी कॉर्पोरेट बैंकिंग इनके लिए इम्पोर्टेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत बड़ी चीज़ है एक मीशत के लिए, पूरे मुल्क के लिए। उसमें ऑब्वियसली कुछ ख़ास बैंक्स हैं जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हर बैंक इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसमें आपको एक सर्टन साइज चाहिए जो अल्फला के पास है, तो वो CPEC प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल इन्वॉल्व है। लोकल साइड पे एक्सपेंशन हो रही हैं, थर्ड साइड पे अगर आप बात कर लें, या सुई नॉट अपनी पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स में लेंडिंग कर रहा है, बोरोइंग कर रहा है, तो उसमें बैंक अल्फला भी इस कंसोर्शियम का हिस्सा है। इसके अलावा आई थिंक जो थोड़ी सी हटके अल्फला करना चाह रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जी खाली यही चीज़ कर रहा है, लेकिन उससे थोड़ा सा फोकस इसका इस पर ज़्यादा है, वो SME साइड पर है। कुछ अगर हमने देखा है कि एक ऐसा एरिया जहाँ से बैंक थोड़ा सा शाये हुए करें हैं, लेकिन सर्टनली अगर इसको ठीक तौर पे करा जाए तो इसमें पोटेंशियल बहुत है। अल्फला जो जो हमारी बात हुई है, जिस तरह का हमें नज़र आता है, बिल्कुल इनका एक प्लान है इस तरफ। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो नो डाउट इसमें इसमें रिटर्न्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कंज्यूमर साइड पे भी ऑब्वियसली अल्फला हिस्टोरिकली एक बड़ा बैंक रहा है, अभी भी ऑब्वियसली उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो है। इस साइड पे ये ऑब्वियसली रवादावा रहेगा। इसके अलावा इस्लामिक साइड पे ऑब्वियसली अल्फला अगर आप बात करें तो विंडो ऑपरेशंस ही सही, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्लामिक ऑपरेशंस अल्फला के अंदर मौजूद हैं। उस साइड पे भी ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। उस साइड पे अगर ऑब्वियसली लेंडिंग साइड पे तो ये कन्वेंशनल साइड पे करना चाह रहे हैं, इस्लामिक साइड पे अगर हुकूमत सुकूक की मार्केट को मज़ीद डेवलप करती है, क्योंकि इतने प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं तो लग तो ही रहा है कि सुकूक की मार्केट में ऑब्वियसली पर थोड़ी पड़वान चढ़ेगी, तो अल्फला ऑब्वियसली इस्लामिक बैंक में बड़ा शेयर लेने के नाते इसमें काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। तो अक्रॉस द बोर्ड इनकी इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और अच्छी बात यह कि ये अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाह भी रहे हैं। हर बैंक इस माइंडसेट से बैंकिंग नहीं कर रहा, आज अल्फला कर रहा अगर है। लॉन्गर टर्म की बात कर ली जाए अल्फला की, तो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म पे जैसे मैंने कहा कि डिविडेंड थोड़ा सा उनका लोअर साइड पर है, शायद वो अगले 1-1.5 साल ऐसे ही पोजिशन रहे, और ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक चीज़ हो सकती है जो शेयर प्राइस को थोड़ा सा होल्ड बैक कर सकती है। लेकिन बैंक, जब आप बैंक का शेयर लेते हैं तो अमूमन डिविडेंड के लिए नहीं लेते हैं, अमूमन आप ग्रोथ के लिए लेते हैं। तो वो ये लग रहा है कि जिस तरीके से इसकी मीडियम टर्म ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री नज़र आ रही है, देखें 2016 और 17 का साल फर्स्ट क्वार्टर बैंक्स के लिए बड़े अच्छे गए हैं, सेकेंड क्वार्टर भी तवक्को है कि बहुत अच्छे जाएंगे, बट आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ में थोड़ा सा लैग के साथ होगी। मईशत ने पिकअप शुरू कर दिया है, लेकिन क्योंकि पुराने बॉन्ड्स जो अच्छे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लिए हुए थे वो पहले मच्योर होंगे और नए रेट पे लगाए जाएंगे जो कि कम होगा, तो वो लग रहा है कि ग्रोथ को थोड़ा सा होल्ड बैक कर सकते हैं 2016 और 17 में। लेकिन अगर आप 18, 19, 20 की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की आउटलुक बहुत अच्छी है। अगर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, आप बैंक्स इस तरह के रिटर्न पोटेंशियली दे सकते हैं जो जो अभी कुछ सालों में नहीं दे पाए हैं। बट सिंपल इसकी रीज़न ये है कि सिंपल रिलेशनशिप है इसके, जी इंटरेस्ट रेट्स से काफ़ी बड़ा अर्निंग्स ड्राइवर है इनका। तो जिस पिछले 2 साल में हमने देखा है कि शरह सूद नीचे आई है, उसमें बैंकिंग परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही है, अगले 2-3 साल की तवक्को है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से ऊपर ही मिलेंगे। अगर ऐसा है तो फिर ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर की प्राइस परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। इन दिस केस ऑब्वियसली जो थोड़ा अग्रेसिव भी हो सकता है, जो इस साइकिल में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, जो CPEC के थ्रू ड्राइव हो रही है, लेकिन हमने और भी चीज़ें देखी हैं कि जी अगर आप बहुत सारे सेक्टर्स की बात कर लें तो
सीमेंट सेक्टर हो गया है, वो एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है। अगर आप पावर सेक्टर में देखें तो उसमें नए प्रोजेक्ट्स बहुत लग रहे हैं। अगर आप PSDP देखें तो उसमें भी फंड्स रिलीज हो रहे हैं। या ऑटो की बात करें तो नए ऑटो पॉलिसी के बाद नए प्लेयर्स की एंट्री एक्सपेक्टेड है, या इवन लोकल प्लेयर्स एक्सपैंड कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेक्टर्स में बहुत कुछ हो रहा है। जो बैंक्स इस साइकिल में इंटरेस्ट रेट का बढ़ने से तो सब फ़ायदा करेंगे, लेकिन जो बैंक्स जो सही मायनों में फ़ायदा उठा सकते हैं, वो अगर इस साइकिल में पार्टिसिपेट कर लें और थोड़े से अग्रेसिव हो जाएं, तो वो प्रॉब्ली थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली बेस्ट होता है कि अगर अल्फा का डिविडेंड यील्ड भी 7-8% होता, बट यू कांट हैव एवरीथिंग। ऑब्वियसली इट्स अ चॉइस, क्या आप एक बैंक के शेयर होल्डर या हिस्सेदार बनना जा रहे हैं क्योंकि आपको फॉरन डिविडेंड लेना है, उसके लिए IPPs मौजूद हैं, फर्टिलाइजर डिफेंसिव सेक्टर्स मौजूद हैं। ऑब्वियसली बैंक अगर लेते हैं कि जी इकोनॉमी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसमें मेरे ख्याल में शेयर होल्डर के लिए चॉइस है कि जी वो चाहता क्या है। डज ही वॉन्ट डिविडेंड यील्ड, या 4% के साथ रख के अगर वो ग्रोथ पार्टिसिपेट ऐसे बैंक के साथ हिस्सा देने जा रहा है जो ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो उसकी चॉइस है। अल्फला इस सेकंड केस में पूरा होता है कि लग रहा है कि वो ग्रोथ साइकिल में साथ साथ बढ़ना आई चाह थिंक ये रहा है। अच्छी चीज़ जो अल्फला के पास है, इसके पास ऑप्शंस बहुत मौजूद हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म बात करें, देखें बहुत सारे बैंक्स हैं जिनके स्प्रेड्स अब नीचे की तरफ हैं, पीक कर गए थे 3-4 साल पहले, अब नीचे की तरफ हैं, या एसेट क्वालिटी अच्छी है, पहले से ही अच्छी थी, मजीद उसमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही, या फी फ्रेंचाइज इतनी अच्छी हैं कि मजीद, या कॉस्ट एफिशिएंसी की बात करें, अल्फला में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप लॉन्गर टर्म बात करें तो बहुत सारे मेट्रिक्स पे बहुत इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है। कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ ही आती हैं, मतलब ओवरनाइट फ्रेंचाइजेज नहीं बन जाती। कॉस्ट एफिशिएंसी विद टाइम अल्फला की इम्प्रूव होते हुए हम देख रहे हैं। अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें तो कदरे बेहतर हुई है। अगर आप डिपॉजिट मिक्स की बात करें, पहले इनका फोकस होता था डिपॉजिट साइज़ पे, बैलेंस शीट की साइज़ पे, और वो मिक्स या क्वालिटी को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे। हाल में देखें तो इनका जो करंट और सेविंग डिपॉजिट्स का मिक्स है, वो इससे बेहतर कभी नहीं हुआ, तकरीबन 85% पे पहुँच गया है। तो बहुत चीज़ें हैं जो विद टाइम अल्फला को एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। तो वो बैंकिंग का अगेन एक रूल ऑफ थंब रहा है पाकिस्तान में कि साइज़ डज़ मैटर। जितने बड़े आप होंगे उतने ही आपके लिए आसानियां हैं, उतनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। ये हर चीज़ पे आई थिंक अप्लाई करता है, पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर पे ख़ास तौर पे अप्लाई करता है। तो बैंक अल्फला उन बैंक्स में से है जो आप शायद समझ लें बीच में है, मीडियम और बड़े। कुछ मेट्रिक्स पे ये बड़ा बैंक बन चुका है, कुछ मेट्रिक्स में अभी भी ये मीडियम बैंक है। आगे जाते हुए इसके जो मीडियम बैंक वाले मेट्रिक्स हैं, जैसे कॉस्ट एफिशिएंसी हो गया, जैसे आपकी एसेट क्वालिटी हो गई, जैसे आपके डिपॉजिट मिक्स हो गया, बहुत चीज़ें अभी कन्वर्जन में हैं मीडियम बैंक टू बड़े, ख़ास तौर पे कॉस्ट एफिशिएंसी। अगर ये चीज़ें ओवर द लॉन्गर रन कन्वर्ज कर जाती हैं एक बड़े बैंक के रेशियोज़ पे, तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो नो डाउट इसमें उसमें बहुत है, मतलब बहुत बैंक से बहुत ज़्यादा ये आउट परफॉर्म कर सकता है। नियर टर्म में मैं फिर कहूँगा कि ऑब्वियसली द फैक्ट कि जी इनका डिविडेंड थोड़ा सा कम रहा है 2015 में, अब वो इनको थोड़ा सा शेयर प्राइस परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हर्ट कर रहा है, लेकिन इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इनकी सोच है कि ये ऐसा नहीं इन्होंने कर दिया, क्योंकि कैपिटल अभी भी इतना मौजूद है कि अगर चाहें तो डिविडेंड बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकी सोच है कि ये इनका कहना ये है, या जो हमें समझ में आ रहा है कि शेयर होल्डर के लिए फ़ायदा ज़्यादा होगा अगर इस कैपिटल को यूज़ करके एक्चुअली ग्रोथ की तरफ आ जाएं जो लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देगी। तो आई थिंक ये भी इसमें भी इनसे आर्ग्यू तो नहीं कर सकता, आई थिंक दैट इज़ अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। वो समझ लें कि जी ऑब्वियसली थोड़ा सा यूनिक डायनामिक्स हो गए हैं, कि वरना बड़े बैंक्स में अमूमन ऐसा देखा नहीं गया कि 7-8% डिविडेंड यील्ड हुआ है, कम ही होता है, लेकिन इस तरह हुआ है कि जी उनकी परफॉर्मेंस इतनी ठीक नहीं रही है बाकी बैंक्स की, तो इसलिए डिविडेंड यील्ड उनकी थोड़ी ज़्यादा नुमाया हो रही है। ऑब्वियसली वो अब बैंक्स ने अब रैली भी करा है, तो ये डिविडेंड यील्ड जो मैं आज कह रहा हूँ 7-8% है, वो अगर आप 2 महीने पहले चले जाएँ तो 8-9% थी, तो ऑलरेडी वो थोड़े से प्राइस इन हुआ है। एक फर्स्ट राउंड ऑफ बैंकिंग रैली हो चुकी है, सेकंड राउंड हम देख रहे हैं कि हो सकता है सितंबर में हो, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उसमें बैंक सच एज अल्फला, एलाइड, अल हबीब, ये एक समझ लें ज्वाइन कर सकते हैं रैली, जो कि कुछ बड़े बैंक्स ने ऑलरेडी दिखाना शुरू कर दिया है।